नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 7 बजे में खबरों की शुरुआत करते हैं 50 बड़ी खबरों के साथ, वो भी रफ्तार से। महाराष्ट्र में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन, माखुर्द शिवाजीनगर से पर्चा भरेंगे नवाब मलिक। कांग्रेस ने कोल्हापुर नॉर्थ से बदला उम्मीदवार, अकोला से साजिद खान, कोलाबा से हीरा देवासी को दिया टिकट। शिवसेना शिंदे गुट ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, मुंबा देवी से चुनाव लड़ेंगी शाइना एनसी, भांडुप से अशोक पाटिल को मिला टिकट। सचिन पायलट ने झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, कहा दोनों राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है गठबंधन। वायनाड में बढ़ा चुनावी घमासान, बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग से की प्रियंका गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का विरोधियों पर हमला, कहा यह सिर्फ सीएम बनने का नहीं, झारखंड को ठगों और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, इरफान अंसारी को लेकर भी साधा निशाना। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का इरफान अंसारी पर हमला, महिलाओं और आदिवासी समुदाय के शोषण का लगाया आरोप। झारखंड के लिए कांग्रेस ने जारी की 2 उम्मीदवारों की लिस्ट, बोकारो से श्वेता सिंह और धनबाद से अजय दुबे को दिया टिकट। आतंकवाद के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़े हैं राहुल। बीजेपी का विरोधियों पर हमला, शहजाद पूनावाला ने कहा सीजीआई और चुनाव आयोग का अपमान करना बन गया है इंडिया गठबंधन की पहचान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर हमला, कहा जंगलराज की संगति में रहकर जंगलराज की भाषा बोल रही है कांग्रेस। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा, कहा हेमंत सोरेन की सरकार में कष्ट झेल रही है झारखंड की जनता। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान, 25 से 29 नवंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। पटना में सीएम आवास पर हुई एनडीए की बड़ी बैठक, बूथ को मजबूत करने पर हुई चर्चा, 2025 में 220 सीटें जीतने का तय किया गया लक्ष्य। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने तालमेल बनाए रखने पर दिया जोर, कहा अब मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा, आरजेडी के साथ जाकर की थी बड़ी गलती। आरजेडी नेता मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर साधा निशाना, कहा बैठक में नहीं पहुंचे थे कई नेता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा 10 साल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई केंद्र सरकार, हर योजना की करवाई जाती है जांच। भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर करेंगे गश्त, डेपसांग और डेमचोक से करीब 90% सैनिकों की हुई वापसी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर किया था हमला। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हुए हमले के बाद हाई अलर्ट, नियंत्रण रेखा के पास बढ़ाई गई पेट्रोलिंग, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने मांगी जेड श्रेणी की सुरक्षा, गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। केरल की मुख्यमंत्री की गाड़ी और काफिले की दुर्घटना का वीडियो आया सामने, दुपहिया वाहन को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाने से हुई थी दुर्घटना। बिहार के वैशाली में तेल टैंकर से शराब की तस्करी का पर्दाफाश, टैंकर में छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बोतलें बरामद। यूपी के सीतापुर में छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद, बीच सड़क पर एक दूसरे की बेल्ट से की पिटाई, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग जिंदा जले, 3 युवकों की मौके पर मौत। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप के बाहर हुआ धमाका, कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप के मालिक को 5 करोड़ की वसूली के लिए दी गई थी धमकी। पंजाब के मोगा में घर में अकेली रह रही महिला के साथ हुई लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने जुआरियों का निकाला जुलूस, 17 जुआरियों को परेड करवाते हुए कोर्ट तक ले गई पुलिस। उत्तराखंड के विकासनगर में एक साथ 3 रिजॉर्ट में हुई चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में बच्चों के विवाद के बाद मारपीट और पथराव, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस, कई लोगों को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ। चित्रकूट में टोल बूथ पर जमकर हुआ हंगामा, सेल टैक्स इंस्पेक्टर के ड्राइवर पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट का आरोप, टोल गेट देरी से खोलने पर हुआ था विवाद। यूपी के अमरोहा में राशन डीलर की बड़ी लापरवाही, लोगों ने कम राशन देने का आरोप लगाया, प्रशासन से की जांच की मांग। आगरा में चोरी ने शादी वाले घर को चोरों ने निशाना बनाया, घर में रखे कैश और जेवरात लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के कौशाम्बी में मनोरेगी आश्रय स्थल के संचालक पर मानव अंगों की तस्करी करने का आरोप, डीएम ने जांच के आदेश दिए। दक्षिण लेबनन के सिडोन में इसराइल का हमला, रॉकेट और मिसाइल से हुए हमले में 9 लोगों की मौत, 30 घायल। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले का वीडियो किया जारी, हिजबुल्ला के हथियारों के गोदाम पर हमला करने का किया दावा। लेबनन में 24 घंटे में 38 लोगों की हुई मौत, 124 हुए घायल। इसराइल और हिजबुल्ला की जंग में अब तक 2700 से लोगों की ज्यादा जान जा चुकी है।
गाजा में इसराइल की सेना का ऑपरेशन जारी, एक अस्पताल से पकड़े गए हमास के 100 लड़ाके, भारी तादाद में हथियार भी बरामद। दक्षिण लेबनान के नबाती में इसराइल ने किया हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों पर 24 घंटे में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई। लेबनान से हाइफा पर दागे गए 5 रॉकेट, IDF ने सभी रॉकेट को नाकाम करने का किया दावा, कहा हमले में नहीं गई किसी की जान। गाजा में जारी इसराइल के हमले में एक साल में 43,000 लोगों की मौत का दावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। सोशल मीडिया साइट एक्स ने सस्पेंड किया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का अकाउंट, नियमों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का डिब्रो अकाउंट खुलने के एक दिन बाद ही एक्स ने सस्पेंड किया, नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट सस्पेंड। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा इसराइल, लेजर बेस्ड एयर डिफेंस के लिए 500 मिलियन से ज्यादा की डील, अगले साल से काम करेगा यह सिस्टम। छत्तीसगढ़ की मुंगेली में DM और SP ने कुम्हारों के परिवार से की मुलाकात, लोगों से की मिट्टी के दिए जलाने की अपील, दोनों ने अपने घर के लिए भी दिए खरीदे। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा, इंडिया गेट पर जवानों ने बढ़ाई चौकसी। दिवाली की खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़, दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा कड़े इंतजाम। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कड़ी की गई सुरक्षा, स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे पर RPF के जवान मुस्तैद। यूपी के बरेली में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। भुवनेश्वर में धनतेरस के त्यौहार के लिए सजे बाजार, धनतेरस में शुभ मानी जाती है